मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के इन जिलों के आईपीएस अधिकारियों की बड़ी संख्या में किए तबादले। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में हुए तबादलों के विषय में। क्या है जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और ऐसे अधिक लोगों तक शेयर करें। आई बढ़ते अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन जिलों के आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं और कमलनाथ से खास अफसरों की छुट्टी की है और नए अधिकारियों की स्थापना की गई है। गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में भी कमलनाथ के पसंदीदा अधिकारियों का तबादला किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की तबादला सूची इस प्रकार है, जिसमें श्री राजीव टंडन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्रभारी महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश भोपाल में इनका ट्रांसफर किया गया है। इसी के साथ श्री शुभोवन बनर्जी प्रभारी महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश भोपाल से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक JNPA सागर में इनका ट्रांसफर किया गया है। इसी के साथ डॉक्टर SW नकवी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस महामुख्यालय और भोपाल से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय भोपाल में इनका ट्रांसफर किया गया है। इसी के साथ श्री उपेंद्र कुमार जैन जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे दूरसंचार पुलिस मुख्यालय भोपाल से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल में इनका ट्रांसफर किया गया है। इसी के साथ श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनुसूचित अजाक पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं विशेष कर्तव्य अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजाक पुलिस मुख्यालय भोपाल में इनका ट्रांसफर किया गया है। इसी के साथ श्री आदर्श कुटियार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन भोपाल से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल श्री DC सागर 19 फरवरी 2020 को जारी किया गया था आदेश, जिसमें निरस्त कर दिया गया है और वापस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आपदा प्रबंधन एवं होमगार्ड भोपाल में इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ श्री मकरंद देवसगर पुलिस महानिरीक्षक आजावी पुलिस महामुख्यालय भोपाल से विशेष कर्तव्य से आधिकारिक माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अब एक और नई नियुक्ति हुई है जो कि मध्य प्रदेश सरकार बदलते ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दूसरी बार महाधिवक्ता बने भूपेंद्र कौरव। दोस्तों आपको बता दें कि जबलपुर वरिष्ठ महाधिवक्ता पुरुषेंद्र गौरव को मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ कौरव पहले भी शिवराज सरकार में महाधिवक्ता रह चुके हैं। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी को दूसरी बार महाधिवक्ता बनाया गया हो। दरअसल पिछले दिनों MP में कमलनाथ सरकार के गिरते ही मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता शशांक शेखर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जब सत्ताधारी पार्टी और उनके मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है तो यह मेरा नैतिक दायित्व है कि अपने पद से त्याग पत्र दे दूं। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अगला महाधिवक्ता कौन होगा, लेकिन गुरुवार को इन सब बातों पर विराम लग गया और कौरव को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। शिवराज के करीबी हैं। दोस्तों हम कौरव के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। कौरव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, कौरव शुरू से ही ABBP से जुड़े हुए रहे हैं और सत्ता और संगठन के कई दिग्गजों ने से उनके करीब संबंध हैं। प्रदेश में सरकार बदलते ही उन्हें फिर से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे पिछली भाजपा सरकार में वर्ष 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक महाधिवक्ता रहे थे। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लग गए थे। अब शिवराज ने दोबारा उन्हें मौका दिया है। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी को दूसरी बार महाधिवक्ता बनाया गया हो। कौन है कौरव? कौरव के विषय में आपको बता दें, नरसिंहपुर जिला अंतर्गत गाडरवाड़ा के डोंगर गाँव में 4 अक्टूबर 1976 को जन्मे कौरव की प्राथमिक शिक्षा गाडरवाड़ा में ही हुई
और 41 वर्षीय कौरव ने पूर्व में सबसे युवा महाधिवक्ता बनने का गौरव हासिल किया था। अब एक बार फिर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। सन 2001 में NES कॉलेज से LLB की और उसके बाद एडवोकेट वीरेंद्र सिंह चौधरी के साथ वकालत की प्रैक्टिस की थी। 2006 में पेशे का स्वतंत्र रूप से अपनाया और 2009 में उप महाधिवक्ता तो 2012 में अतिरिक्त महाधिवक्ता बने थे। 2013 में वे मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के वरिष्ठ महाधिवक्ता बने और फिर उन्हें प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता के महत्वपूर्ण पद से की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।